बजरंगी भाईजान फिल्म के रिलीज होने के 7 साल पूरे होने की खुशी में बजरंगी भाईजान 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर फाइनली आई हम सभी के सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार यानी कि सलमान खान ने पिछले साल ही अपनी सुपरहिट फिल्म यानी कि बजरंगी भाईजान मूवी के सिक्वल की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब तक फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। और इसी बीच आपको बता दें, इस फिल्म को रिलीज हुए आज यानी कि 17 जुलाई को 7 साल पूरे हो चुके हैं। और इस खास मौके पर फिल्म के राइटर यानी कि केवी विजेंद्र प्रसाद ने अपनी इस फिल्म को लेकर काफी बड़ा अपडेट हम सभी को दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, बजरंगी भाईजान फिल्म के राइटर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के फैंस के साथ बजरंगी भाईजान 2 फिल्म से जुड़ा एक ऐसा बड़ा अपडेट दे दिया है जिसे जानने के बाद सलमान खान के फैंस की खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं होने वाला है। दरअसल केवी विजेंद्र प्रसाद ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैंने भाईजान को एक कहानी सुनाई है और ये कहानी उनको काफी ज्यादा पसंद आई है और अब ऐसे में सलमान खान के हाथों में है कि अब इस फिल्म को वो सिलेक्ट करते हैं या फिर नहीं। वहीं इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वही पुरानी वाली बजरंगी भाईजान फिल्म की कहानी को 10 साल के बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सिक्वल पहले भाग से कम नहीं होगा। वही फिल्म के नाम का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिक्वल का नाम पवन पुत्र भाईजान रहने वाला है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें सलमान खान के बॉयफ्रेंड के बारे में, तो आपको बता दें कि सलमान खान 10 नवंबर के मौके पर रिलीज होने वाली अपनी मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग को इन दिनों काफी जोरों शोरों से फिल्मा रहे हैं। वहीं फिल्म के VFX और एडिटिंग पर काम भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सलमान खान की इस मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।